खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल ने जिले में हो रही मौतों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रशासन क्यों छुपा रहा मौतों के आंकड़े? हीटवेव के कारण मौत पर देना पड़ेगा मुआवजा। सरकार के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं किए समय पर इंतजाम। अघोषित बिजली कटौती को लेकर भी जनता परेशान है। साथ ही धारीवाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। कोटा जिले के सुकेत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जनाना वार्ड में भर्ती दो नवजात शिशु की गर्मी के कारण मंगलवार को मौत हो गई, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई। वहीं मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। झलावाड़ जिले के उनेल नागेश्वर में सार्वजनिक ट्यूबवेल बिना विद्युत कनेक्शन के चल रही थी, जिस पर आज सुबह विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सार्वजनिक ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया। साथ ही सरपंच कृष्ण भाई भवन सिंह सहित 7 लोगों की VCR बना दी गई। दौसा जिले के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हो गया। हरिद्वार से जयपुर आ रही स्लीपर कोच बस बेकाबू होकर सभी लाइनें क्रॉस कर एक्सप्रेसवे से नीचे उलटकर गिर गई। कोच सवार 2 दर्जन लोग घायल हो गए। वही कोच के नीचे आने से एक युवती की मौत हो गई। मृतक युवती निवाई निवासी 19 वर्षीय अंकिता जाट है। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से दौसा अस्पताल पहुंचाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारियों को हमें सीख देने की जरूरत नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री और विधायकों को दे रखी थी लूट की छूट। भजनलाल सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानकर सेवा कर रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पिछली सरकार ने विरासत में जर्जर बिजली तंत्र दिया। प्रदेश में हो रही बिजली की किल्लत के कारण प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली लौटाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पूर्व बैंकिंग समझौते के तहत अब पीक गर्मी के सीजन में बिजली लौटाना पड़ रही है। अगर गहलोत सरकार का बैंकिंग समझौता ना होता तो आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होती। उत्पादन बढ़ाना, प्रसारण और वितरण की मजबूती पर कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री पार कर गया। मंगलवार को इलाके में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी का मुद्दा जारी। आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे डाली। दरअसल दिल्ली में पानी की कमी पर मंत्री आतिशी ने कहा, हम लगातार हरियाणा सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी बातचीत के बाद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही। अगर आने वाले समय भी पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर इस भीषण गर्मी में भी पानी का स्तर कम होता रहा तो दिल्ली को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो एक अन्य मामले में कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन जारी कर 29 मई को बुलाया। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के ACMM ने दिल्ली भाजपा की मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में संबंध में दिल्ली की मंत्री आतिशी को 29 मई को पेश होने के लिए बुलाया है। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में मजदूर को अपने परिवार के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए लेबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक छुट्टी देने के आदेश दिए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेबर के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खबर दिनभर में आज इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।